Hey learners, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Here I come with the chapter French Revolution, and this is the fourth video. I have already uploaded three videos from this chapter in which we discussed a story of a king named Louis XVI and his absolute power. We also discussed that how the people of france abolished the monarchy and how france declared itself a republic and louis xvi on 21st january 1793 sentenced to death publicly after that the rule start of the jacobian club but the duration between 1793 and 1794 रेन ऑफ टैर द लीडर ऑफ द जेकोबियन क्लब वॉज द मैक्सिमिलियन रोबर बट इसके रीजन को इसके रूल को रेन ऑफ टैरर क्यों कहा जाता है एक्चुअली मैक्सिमिलियन रॉबिस पॉलिसी ऑफ स्व्यर कंट्रोल एंड पानिशमेंट ओल्ड दो whom he saw as big enemies of the republic, like ex-nobles, clergy, members of other political parties, and even the members of his own parties, who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. and in case the court found them guilty, they were guillotined. गलोटिन एक डिवाइस होती है जो दो पोल्स के बीच में एक बेल से अटकी जुड़ी हुई होती है गिल्टी को यहाँ पर लिटा कर जब इस रस्सी को छोड़ा जाता है तो ये ब्लेड सीधा गिलटी की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता था इस मशीन को डॉक्टर गिलाटिन ने इन्वेंट किया था इसीलिए इसका नाम गिलाटिन रख दिया गया रॉबिस फेयर ने कुछ पॉलिसीज़ भी अपनाई थी उसने वेजेस और प्राइसेस की मैक्सिमम कीमत तय कर दी थी उसने वीट और ब्रेड के लिए राशनिंग शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया उसने पीजेंट्स को फोस्ट किया कि वो अपना ग्रेन सिटीज़ में जाकर बेचें और उसी प्राइस पर बेचें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसने एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को बैन कर दिया वाइट फ्लोर मीन्स मैदा उसने मैदे के यूज़ को कम्प्लीटली बैन कर दिया और सभी लोगों को केवल होल व्हीट से बनी हुई इक्वालिटी का सिंबल माना मानी जाने वाली इक्वालिटी ब्रेड खाना ही अलाउड कर दिया लोगों के बीच में मोनेजियोर और मैडम जैसी जो पोस्ट थी उन्हें भी ख़त्म करके सिटी और सिटी ऑन ही कहा जाने लगा उसने सारे चर्चेस को बंद कर दिया और उनकी बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट ऑफिस या बैरक्स में चेंज कर दिया पीपल ऑफ़ फ्रांस चार्टेड हेटेड हिम एंड सोन ही कन्विक्टेड बाई द कोर्ट इन जुलाई सेवनटीन नाइन्टी फोर और इसको भी वही सजा दी गई जो ये दूसरे लोगों को देता था यानी ग्लोटेंड। जैकोबियन क्लब की पावर ख़त्म होने के बाद लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर टू लेजिस्टिव इलेक्ट की जाती थी और ये टू लेजिस्टिव असेंबलीज एक फ़ाइव मेंबर की डायरेक्टरी को चूज करती थी लेकिन जल्द ही डायरेक्टरी और इन टू असेंबलीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इनके आइडियाज़ ऑलमोस्ट क्लास्ट होने लगे आपने मंकी और कैट की स्टोरीज सुनी है जिसमें जो बिल्ली एक रोटी के लिए लड़ती हैं तो सारी रोटी बंदर खा जाता है ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ था जब टू लेजिस्टिव असम्बलीज और डायरेक्टरी के बीच में फाइट होना शुरू हुआ उसका फ़ायदा वहाँ के एक आर्मी डिक्टेटर नेपोलियन ने उठाया नेपोलियन ने बहुत अच्छा मेथड अपनाया था वो जितने भी कंट्रीज़ को कॉन्क्र करता वहाँ पर किंग या क्वीन अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को बनाता था जिससे डिस्प्यूट की कोई प्रॉब्लम ही ना हो नेपोलियन ने, ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया उसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए वेट्स एंड मैचर्स के लिए वो ख़ुद को मॉडर्नाइजर समझता था यूरोप का पहले जो यूरोपियन पीपल थे वो बहुत खुश थे उसे लिबरेटर मानते थे हु ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल सून देयर एक्सपेक्टेशन इन टू हॉस्टालिटी नेपोलियन की आर्मी को इनवेडिंग फोर्स माना जाने लगा और बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर उसे अटैक किया और फाइनली वाटर की लड़ाई में 1850 में उसे डिफीट कर दिया हमने अपनी पूरी स्टोरी में किंग्स क्वीन थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट सबके बारे में बात की बट हमने वोमेंस के बारे में बात ही नहीं की क्या कोई ऐसा रिवोल्यूशन था जो वुमन्स के लिए हुआ था लेट्स फाइंड आउट जो थर्ड स्टेट की वूमन्स थी, उन्हें स्पेशली बहुत सारा काम करना पड़ता था अपनी अर्निंग के लिए अपनी लिविंग के लिए लेकिन उस समय पर बहुत सारी वुमन्स को एजुकेशन राइट नहीं था और ना ही उन्हें किसी तरह की जॉब की ट्रेनिंग दी जाती थी एक्चुअली जो एजुकेशन थी वो कीवर नोबल्स की, की डॉटर्स या फिर वेल्दियर फैमिली से आने वाले वुमेंस के लिए ही अलाउड थी और स्पेशली जब 1791 में नया रूल बना था जिसमें वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं दिए गए और उन्हें पैसिव सिटीजन माना गया तब से ये औरतें बहुत गु़स्सा थी और बहुत डिससेटिस्फ़ाइड थी क्योंकि फ्रांस की एक इम्पॉर्टेंट सिटीजन होने के कारण इन्हें कोई भी राइट नहीं दिया गया था सारे राइट केवल मेल्स इंजॉय करते थे इसलिए इन्होंने थाउजेंड्स की संख्या में और पेजेंट्स के साथ मिलकर मार्च किया वर्सेल्स के तरफ वर्सेल्स वही जगह है जाओ पेरिस शहर से दूर किंग लुई किंग लुई सिक्सटीथ ने अपने लिए महल के लिए चुनी थी इन सभी ने वहाँ जाकर किंग को फोर्स किया कि वो वापस पेरिस आए और लुई सिक्सटीन वापस पेरिस आए और उन्हें टुलेरीज़ के कैसल के अंदर तीन साल तक क़ैद करके रखा गया वुमन्स उस समय पर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू किए और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखना भी शुरू किया उस समय पर एक फेमस वूमन्स क्लब था जिसके अंदर सिक्सटी वूमेंस थी इसका नाम सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन था ये पैसिव सिटीजन माने से बहुत डिस थी इनकी केवल तीन ही डिमांड थी इन्हें राइट टू वोट मिले असेंबली में इलेक्ट होने का चांस मिले और ये भी पॉलिटिकल ऑफिस में पोजिशन होल्ड कर पाए हालाँकि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने वुमन्स के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए थे बट फिर भी वुमन्स पॉलिटिकल राइट ना मिलने की वजह से सेटिस्फाइड नहीं थी इस गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल्स खोले वुमन्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई मैरिज़ के लिए भी इन्हें फादर्स फोर्स नहीं कर सकते थे और मैजि ma को सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता था डिवोर्स को भी लीगलाइज कर दिया गया और इन्हें अलग अलग जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी बट ये, के, ये केवल पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी और जब रेनफ टरर था तो रॉबिस ने सारे पॉलिटिकल क्लब्स को बंद कर दिया था और फाइनली इनकी जो लड़ाई थी उसमें ये जीत गई और 1946 में इन्हें वोटिंग राइट मिल गया बट क्या केवल फ्रांस में यही परेशान थी नहीं एक्चुअली फ्रांस में स्लेव्स की लाइफ इनसे भी ज़्यादा डेंजरस थी अब हम बात करते हैं स्लेवरी की जो कि फ्रांस में बहुत व्याप्त थी एक्चुअली फ्रांस के कुछ इज़ अ फ्रांस फ्रांस की कुछ कॉलोनीज़ थी नॉर्थ अमेरिका के पास कैरिबियन आइलैंड के अंदर इन कॉलोनीज़ का नाम था मॉर्टिन क्यू गडलॉप एंड सेंट डोमिंगो यहाँ पर टोबैको इंडिगो शुगर और कॉफ़ी बहुत अच्छी होती थी लेकिन कोई भी यूरोपियन यहाँ से इतनी दूर आकर यहाँ पर काम करने का विलिंग नहीं था बट द अनविलिंगनेस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनोन आइलैंड मेन्ट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस तब शुरू होता है स्लेवरी का बिजनेस बहुत सारे मर्चेंट्स फ्रांस से अपने सिप के ज़रिए अफ्रीका आते हैं यहाँ से इन्हें बहुत कम पैसों में अच्छे इन्हें बहुत अच्छे वर्कर्स मिल जाते हैं उन वर्कर्स को ये अपने शिप्स में भरकर कैरेबियन आइलैंड लेकर आते और यहाँ से उन्हें प्लांटेशन में रखते थे प्लांटेशन में काम करने के बाद यहाँ से शुगर टोबैको इंडिगो भरकर ये वापस फ्रांस जाते थे तो इस तरह से आप एक ट्रायंगल शेप देख सकते हो जो कि स्लेवरी के लिए उस समय काफ़ी फेमस हो गई थी बट सेवेंटीन सेंचुरी तक ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यूरोप अफ्रीका और अमेरिका में फेमस हो चुका था बॉर्डेक्स और नानते जो फ्रांस की स्टेट थे वो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी से अच्छे हो गए थे एटीनथ सेंचुरी तक स्लेवरी को केवल थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था लेकिन लंबी लंबी नेशनल असम्बली में लंबी लंबी डिबेट्स होती लेकिन उन्होंने कोई भी रूल पास नहीं किया फिर 1794 में जो कन्वेंशन थी उसने स्लेव्स को फ्री करने का ऑर्डर दे दिया लेकिन स्लेव्स के लिए ये फ्रीडम थोड़े ही दिनों की खुशी थी जब नेपोलियन वापस आता है दस साल बाद तो उसने इसे दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया और फ्रांस की कॉलोनीज़ से फाइनली जो स्लेवरी थी वो 1848 में ख़त्म हुई थी उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ की जब फ्रांस में मुनार्की सिस्टम था उस समय पर उन्हें कोई भी राइट ऑफ तो एक्सप्रेशन नहीं था बुक्स न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स पे भी सेंसरशिप थी और जो भी फिलासफीज की थोड़ी बहुत बुक थी वो भी केवल एजुकेटेड और रिच पीपल के लिए ही थी लेकिन इस पूरे रेवोल्यूशन के बाद उन्हें बहुत सारे राइट्स मिले फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली फ्री प्रेस को फ्री कर दिया गया और बहुत सारे आइडियाज़ अब लोग खुलकर न्यूज़पेपर्स, बुक्स आर्टिकल्स पैम्पलेट्स में छापने लगे और आइडिया ऑफ लिबर्टी आया वुमन्स को भी बहुत सारे वोट राइट टू वोट मिला फ्रांस को रिपब्लिक अनाउंस कर दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ आया सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच आई राइट टू लाइफ दिया गया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स लिबर्टी फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी आई दैट्स ऑल फॉर टू डेज लेक्चर एंड इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाता है थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन थैंक यू